नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो हमारी जो आज की वीडियो है वो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और एक जानकारी और मैं आज आपके साथ साझा करने वाली हूं, वो ये है कि हमारी ओर से एक फेसबुक पेज बनाया गया है पॉलिटिकल इंडिया के नाम से, जिस पर हम हमारे इतिहास से जुड़ी कई सारी जानकारियों को लेकर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो कि आपके इतिहास की नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। तो कर उस पेज को जरूर फॉलो कर दीजिएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला है। आइए रुक करते हैं अपनी आज की वीडियो पर। कल से जैसलमेर राजस्थान की कलेक्टर महोदय टीना डाबे ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं। मैडम ने पाकिस्तान से अपने देश आए हिंदुओं का घर उजाड़ दिया है। पहले थोड़ा इस खबर की डिटेल बताते हैं। मैडम टीना डाबी के आदेश पर जैसलमेर के अमर सागर गांव में बीते दिन पाकिस्तान से आए हिंदुओं के दर्जनों घर गिरा दिए गए। जिनके घर गिराए गए हैं उनका आरोप है कि घरों को जलाया गया है, जिससे कई सामानों की क्षति हुई है। कलेक्टर साहिबा के अनुसार ये लोग अवैध रूप से घर बनाकर रह रहे थे और इनकी शिकायत गाँव के स्थानीय लोगों ने की थी। अब वो समय याद करिए जब टीना डाबी अपने प्यार अधर अमीर के साथ निकाह पढ़ रही थी। वो हम ही हिंदू थे जो इन्हें इस जाल में फंसने से रोक रहे थे। अब वो समय भी याद करिए जब टीना डाबी अधर के लव जिहाद में जिहाद होने से बच गई और उसे तलाक ले लिया था। हमने तब भी टीना डाबी के साकुशल बच जाने की प्रार्थनाएं की। बच निकलने पर टीना डाबी को शुभकामनाएं भी हमने दी। आपको याद ना हो तो हम याद दिला देते हैं कि कैसे टीना डाबी ने हनुमान जी की फोटो अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा था, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी कि हनुमान जी ने मैडम डाबी को लव जिहाद से बचा लिया था। ये हम नहीं, मैडम खुद दूसरी भाषा में कह रही थी। अब वो समय भी याद करिए जब टीना डाबी अपने शेष जीवन की दूसरी शुरुआत आईएएस अधिकारी प्रदीप गवाड़े जी के साथ कर रही थी। हमने तब भी उन्हें इस सनातनी वैवाहिक यात्रा की शुरुआत की लाख लाख बधाइयां दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उनके फैसले की प्रशंसा भी की। लेकिन एक मजहबी के संगत का सर देखिए उन पर। जैसलमेर की चिलचिलाती धूप में उन्होंने उन पाकिस्तान से आए हिंदुओं को बेघर कर दिया, जो किसी तरह जान बचाकर भारत को अपने राम का देश समझकर आए होंगे। कितने गैर हिंदुओं के कितने मजहबी घर ऐसे उजाड़े होंगे अब तक कलेक्टर जी ने, वो भी जैसलमेर में। इस प्रकार की दुर्दरंता के पीछे कलेक्टर महोदय का चाहे जो भी वर्जन रहा हो, लेकिन पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थी हिंदुओं का भारत में जितने बुरे हालात की जाएगी, जितना उनके सामने यहाँ वैधानिक चुनौतियां खड़ी की जाएगी, उतना ही आईएसआईएस वालों और धर्म परिवर्तन करवाने वाले गिरोहों को फायदा होगा। पाकिस्तान में सताया जा रहा हिंदू हम हिंदुस्तान में अपने लिए रास्ते बंद देखेगा तो धर्म बदल कर अजान पढ़ने के सिवाय उसके पास क्या रास्ता बच जाएगा? यही तो आईएसआईएस का मोड्स ऑपरेटी है। कभी मैडम चार मजहबी घर अवैध बताकर गिराकर देख ले जैसलमेर में, मुख्यमंत्री गहलोत जी सिटिंग पोस्ट में ना भिजवा दें तो कहिएगा। हाँ, हिंदुओं पर अपनी आईएस की धौंस तो राजस्थान में दिखाई ही जा सकती है। राजस्थान ने कांग्रेस को जो चुना है, देश के तमाम हिंदू संगठनों को चाहिए कि वो वसुदेव कुटुंबकम के अपने मायने बनाए। दुनिया भर के लोगों को अपना कुटुंब मनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दुनिया भर के हिंदुओं को अपना कुटुंब जानकर उनकी हिफाजत करने की आवश्यकता जरूर है। उनके लिए खड़े होने की जरूरत जरूर है, उनके लिए आवाज बनने की जरूरत जरूर है। टीना डाबी जी, आपकी संगति तो हनुमान जी ने बदल दी, अब आपकी मति बदलने की हम दुआ करते हैं। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए पॉलिटिकल इंडिया को आज ही सब्सक्राइब कर दें।